और अब सैलानियों के संकट मोचन की बात करते हुए आपको मिलवाते हैं हिमाचल के चाचा चाची से, जो अब तक न जाने कितने ही लोगों की जान बचा चुके हैं। मनाली काजा रोड पर बातल के नजदीक ये दोनों पति पत्नी करीब 13,500 फीट की ऊंचाई पर पिछले 48 सालों से ढाबा चला रहे हैं और इस इलाके में कई बार बर्फबारी और बारिश में जो पर्यटक फंस जाते हैं, जिनके संकट मोचक चाचा चाची मदद करते हैं। जो भी यात्री इस रास्ते से गुजरता है वो चाचा चाची का पक्का दोस्त बन जाता है। चाचा चाची और उनके ढाबे की क्या पूरी कहानी है, इस स्पेशल रिपोर्ट से आपको दिखाते हैं। समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई, बर्फ से ढके पहाड़, रंग बदलती झील और ट्रैकिंग का एडवेंचर। सैलानियों को मनाली से आगे लाहौल स्पीति घाटी का रुख करने को उत्साहित करते हैं। इसके लिए सैलानियों को मनाली काजा रोड का रुख करना होगा, लेकिन इस रोड पर अगर आप फंस गए तो फिर आपको संकट मोचक चाचा चाची ही बचा सकते हैं, जो 48 साल से ग्रामफू कुंजम मार्ग पर डटे हुए हैं। बाइक राइडर्स, एक्सप्लोरर, ट्रैकर्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट करते हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों में घूमने आते हैं, लेकिन कई मर्तबा ये घूमना फिरना उनकी जान पर बन आती है। तो ऐसे में लगभग कई सारे लोगों के लिए एक लाइफलाइन की तरह 13,000 फीट की ऊंचाई पर बातल जगह में एक चाचा चाची पिछले 48 सालों से लोगों के लिए कई बार मसीहा बन चुके हैं। संकट मोचक चाचा चाची मनाली काजा रोड पर बादल में ढाबा चलाते हैं। बुजुर्ग हो चुके चाचा ने 20 साल की उम्र में यहाँ पर ढाबा खोला था, जिसे चलाने में उनकी पत्नी ने भी उनका भरपूर साथ दिया। चाचा बताते हैं कि रोजगार की तलाश उन्हें बरसों पहले यहाँ खींच लाई थी। इतनी ऊंचाई पर ये चाचा चाची अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर रहते हैं। इस वक्त लगभग 9 बजे का समय हो चुका है, बाहर पूरी तरीके से अंधेरा है। तापमान की बात करूं तो शून्य से नीचे तापमान चल रहा है, ज़बरदस्त यहां पर तेज हवा चलती है। तो ऐसे टफ कंडीशन में ये बुजुर्ग दंपति यहीं पर अपना ढाबा चलाते हैं। तो आइए चलते हैं, चाचा से आपको मिलवा देते हैं। इनका नाम दोरजे है और दोरजे खाम्पा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चूल्हा जला हुआ है, आग यहाँ पर है। बेशक इतने ठंडे तापमान में ये बेहद ज़रूरी है, लाइट यहाँ पर होती नहीं है। सोलर लाइट का इस्तेमाल फिलहाल इन दिनों में ये कर रहे हैं, पिछले 48 सालों से यहाँ पर ढाबा चला रहे हैं। चाचा जी, ये जानना चाहूँगा कि कब आप यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आने का क्या मकसद था, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये होता है कि प्लेन एरिया में जाकर काम करते हैं, आसान होता है काम करना, इतनी ऊंचाई पर कौन आएगा? प्लेन एरिया में हमारे को अनपढ़ आदमी, हमको तो कुछ ढाबा चलाने से आते नहीं, बाकी नीचे तो ढाबा हमारा चलना भी नहीं। बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा ढाबा है हमारे यहाँ, तो फिर छोटा मोटा ढाबा चलेगा, इसलिए लोग फिर हमको यहाँ ठंड इलाके में हमको अच्छा भी लगता है, लोगों को सेवा करने हमको अच्छा लगता है, क्योंकि लोग फंस भी जाते तो हम उसको सेवा बराबर करते हैं। कितने साल पहले यहाँ आए थे? मैं 20 साल में पहुंचा था जी, 20 साल। अब मेरे को अब ये हो गया, मेरे को 68 साल हो गए, मैं 48 साल हो गए मैं यहाँ। बस यहाँ तो उस दौरान यहाँ पर सड़क थी क्या? सड़क नहीं था, सड़क बहुत छोटा सड़क था, मगर घोड़े भी चलते थे उस टाइम, घोड़े पशु चलते थे, पशु सब सप्लाई घोड़े पर होता था इस टाइम। ऐसा ही गाड़ी ट्रक ट्रुक तो ऐसे आते नहीं कभी, बहुत छोटा ही पुल होता था, उसमें लोग छोटा पुल से गाड़ी सप्लाई काजे के लिए सिर्फ वहाँ से मनाली से लोड करेगा, आपको काजा पहुँचेगा सिर्फ 40 रुपये मिलता था।
80 किलो लोड करेगा एक घोड़े को और 40 मिलता था, एक क्विंटल लोड करेगा तो 50 रुपये मिलता था। स्लीपर लदेगा, दो स्लीपर 10 फुट का दो लदेगा तो उसका 200 रुपये मिलता था। तो यहाँ पर कितनी ठंड रहती है और कितना मुश्किल होता है यहाँ रहना, अगर हमारी बात करेंगे या फिर दूसरे प्लेन एरिया से जो लोग यहाँ पर घूमने आते तो हैं? यहाँ तो बहुत मुश्किल होती है, कहीं हम आते ही बोलते कामना शुरू करते हैं तो लोग बोलते इधर इधर आप लोग कैसे बैठते, इतना ठंडा है। हम दो दो रजाई देते हैं तभी बोलता है ठंड लग रहा है हमको, हम एक रजाई पहनते हैं हमको तो ठंड नहीं लगता है। अब हम तो आदत हो गया, हमको बचपन से हमारी आदत यही हो गई। मनाली काजा रोड से मनमोहक वादियों का दीदार करते हुए आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन होगा कि ये साहसिक सफर कभी खत्म न हो, लेकिन इस चक्कर में अगर मौसम बेईमान हुआ तो फिर यही खूबसूरत वादियाँ आपके लिए विलन बन जाएंगी। चाचा चाची इस तरह के वाकियों के गवाह कई मर्तबा बन चुके हैं। तो बर्फ लगते लगते तो 5 दिन 5 रात कंटिन्यू बर्फ लग जाते हैं यहाँ, तो उस कारण आप लोग कहाँ जा सकते हो, जाने को रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल पूरा बंद हो जाता है। फिर आप बच्चे की तरफ पाला हमने, भाई पैसा हो तो दे दो, पैसा नहीं हो तो कोई बात नहीं, खा आप जा सकते। कुछ साल पहले यहाँ पर काफी सारे लोग फंसे हुए थे, लगभग 106 लोग जी, उसमें 37 विदेशी है, बाकी इंडियन है, बाकी अब चंडीगढ़ का है, दिल्ली का है, हर जगह का है, कई दो दो चार चार आदमी है, फिर लोकल भी है, इसमें सारा मिक्स है इसमें। तो कितने दिनों तक आपके मेहमान रहे? मेरे बता ये 106 लोग फंसे, 8 दिन तक मैंने उसको, फिर हमारी कपड़ा थोड़ा कम हो गया बेचारे, फिर भी डग डुग के गुजारा हो गया। हम तो चूल्हे के पास बैठा, हम तो मियाँ भी दोनों चूल्हे के पास ही बैठा, रात को तो बर्फ फेंकना है, सोने को तो मिलता नहीं, फिर वो घर वाली चाय बनाते हो, चाय पीना, फिर ऊपर चढ़ना, आधा घंटे के बाद फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर बर्फ फेंको, नहीं तो ये अकेला फेंकने से नहीं होता जी, अब चारों तरफ तंबू लगाओ सारा आपको फेंकना पड़ता है, नहीं तो दबने का डर है ना, दब जाए तो बंदा अकड़ जाएगा ठंड से। फिर उस कारण से सबको जान तो बच गया सबका। उसके बाद फिर बॉम्बे वाला आया, फिर रात को बैठे, वो तो जून में फंस गया लोग, तो वो तो जो 106 लोग फंसे सितंबर में, ये 22 सितंबर में फंसा, और वो फंसा जून का 20 तारीख को फंसा, 20 तारीख को ये रटा, ये रोड खुलते हुए 7 दिन के बाद उन लोग पहुंच गए यहाँ। तो 5 गाड़ी था इनका पास। क्या हुआ था उस दौरान? बर्फ गिरी थी अचानक, 5 फुट कृपा आया ना यहाँ जी, वो फिर 9 दिन फंसे लोग, 9 दिन के बाद भी रोड नहीं खुला, हेलीकॉप्टर से निकाले यहाँ, सारा सप्लाई हेलीकॉप्टर गया यहाँ से, हेलीकॉप्टर निकाल दिया, फिर कई तो पहुँचा दिया खोखसर, कई पहुँचा दिया बांग, ऐसे जगह जगह, फिर बाद में डीसी ने ऑर्डर किया सारा कट्ठे पहुँचा। दो साल पहले चाचा जी जब यहाँ से लोगों को बचाया जा रहा था, एयरफोर्स के चॉपर यहाँ पर आए थे, हेलीकॉप्टर आए थे, आपको भी ले जा रहे थे, आप लोगों ने क्यों मना किया? हम लोग तो आपका जाएगा सामान है यहाँ, एकदम जा नहीं सकता है सामान के छोड़ के, तो सामान सारा गायब हो जाना, फिर तो मैंने बोला तुम आप लोग बंदा निकल जाओ, हम लोग तो चल निकल जाएगा, नहीं निकले तो हम तो यहीं कहीं पे बाद में तो निकल जाते, मौसम साफ होता हम निकल जाते, हम तो एक बार भी हम बर्फ काट के 5 मिनट बर्फ काट के हम लोग निकल गए हम दोनों यहाँ से। तो अगर आप कभी मनाली काजा रोड, बातल, छोटा दड़ा और चंद्रताल का रुख करें और कुदरती संकट आपको घेर ले तो चाचा चाची के ढाबे को याद कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको आसपास पहाड़ी संगीत की धुन सुनाई दे तो बस समझ लीजिए कि आप संकट मोचक ढाबे के बेहद करीब हैं। चाचा चाची अब बुजुर्ग हो चुके हैं, बाकी बचे कुछ बरस इस ढाबे पर सैलानियों और स्थानीय लोगों की सेवा करते रहेंगे, उसके बाद इस ढाबे का कार्यभार अपने बच्चों को सौंपेंगे। आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? अभी तो लड़का है, बहू है, आजकल तो कमी नहीं है, आजकल तो कोई डर नहीं है, कोई फंसने का डर भी नहीं। अब लास्ट आपके बच्चे नहीं बोलते हैं कि इतनी ऊंचाई पर जाकर क्यों काम करना है? बच्चे लोग तो इतना पढ़े लिखा तो है, नौकरी तो मिलना नहीं, नीचे तो काम मिलना नहीं इनको, इससे फिर हमारे साथ ही आप जो बाप जो काम करते हो लड़का लोग भी मंजूर हो जाते हैं, बेचारे आ जाते हैं साथ, फिर वो काम तो करना पड़ेगा, रोटी तो कमाना पड़ेगा, अपना बच्चे पालना है इन्होंने भी। फिर मैं बोला चलो भैया, हम अभी तक तो हम काम किया, आप तो तुम लोग करो, हम लोग अभी हम दोनों 1-2 साल आ सकते, उसके बाद हम भी हमारा रात पाँव बैठ जाएगा, हम तो काम नहीं होना हमारे से। तो लड़का लोग ठीक है, चल पड़ता हम लोग। पर्यटन और एडवेंचर के लिहाज से मनाली काजा रोड पर बॉलीवुड एक्टर्स भी यहां आने से खुद को रोक नहीं पाते। सनी देओल, डिंपल कपाड़िया, सलमान खान सरीखे सितारे भी चाचा चाची के ढाबे का स्वाद और मेजबानी का आनंद ले चुके हैं।
तो आपके पास तो काफी बड़े फिल्म स्टार भी आ चुके हैं, कौन कौन फिल्म स्टार आया, क्या कहते थे, क्या बातें हुई आपकी? सनी देओल बोलता है ये अच्छा है, तुम बहुत सेवा करते, अभी तो सेवा करते रहना सबको। फिर ये डिम्पल कवाड़ी भी आया था, फिर ये बॉबी देओल आया था, फिर ये सलमान खान को क्या शाहरुख खान का भाई सलमान खान वो लोग आया था यहाँ, वो लोग भी फिर पिछले और भी आए थे, आप उसका नाम नहीं जानते, उसने लिख के मेरे को रखा था काफी पता नहीं। तो रात को ज्यादा ठंड होती है, कितने बजे सो जाते हैं, किस तरीके से जैसे एंटरटेनमेंट, अगर कोई मनोरंजन का साधन क्या है आपके पास, क्या रेडियो कैसे पता चलता है देश दुनिया की? बस रेडियो खबरें सुनता है जो, रेडियो और तो है ही नहीं यहाँ। पहले मेरे को फोन भी था, पहले फोन से बातचीत हो जाता, अब तो फोन तो गवर्नमेंट ने उठा दिया, हिमाचल गवर्नमेंट ने। मनोरंजन के लिहाज से यहाँ पर सिर्फ रेडियो एकमात्र सहारा है। चाचा चाची के ढाबे पर आपको पुरानी फिल्म्स के गानों की धुन भी सुनने को मिल जाएंगी, जो इन वादियों को आपके लिए और ज्यादा खूबसूरत और मनमोहक बना देती हैं। ग्राम्फू कुंजम मार्ग पर आपका कीमती मोबाइल भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि यहाँ मोबाइल का सिग्नल है ही नहीं। टूरिस्ट अगर फंस जाएं तो फिर उसे मनाली पहुँचने के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है, ये खुद चाचा की जुबानी सुन लीजिए। अब बिना फोन होते साधन नहीं, कई बीमार होते हैं यहाँ। एक बार तो ये टूरिस्ट था, मतलब ये बेंगलोर का था, 5 बाइक वाला था, यहाँ सो गया मेरे पर रात को, तो रात को सोए, आप तो सोए ना, अभी वही इसी कमरे में सोए, उसी टेंट में सोए जी। तो सुबह मैं उठा, तो वो तो मैं 4 बजे के बाहर गया, तो आए आए मैंने क्या हो गया, यहीं मैं अंदर देखने गया, तो वो तो सांस पे रुक रहा, उसका तो आँख सब इकट्ठा कर दे वार। अब मैं कहाँ सुनूँ, गाड़ी नहीं है। फिर एक चौकीदार गाड़ी था, मैंने उसको बुलाया, मैं रात खुलते खुलते वो आगे बोलता, अरे मैं तो गाड़ी छोटा गाड़ी मारुति कार है, बोलते मैं कैसे ले जाऊँ उसको, मैं तो खोखसर पहुँचा दे मेरे किसी हाल में इसको, नहीं तो इसने मर जाना। फिर बोलते मेरा गाड़ी नहीं, रोड बहुत खराब था ना, ये रोड बोलते मेरा गाड़ी फंस जाएगा, मैं तो मेहरबानी किसी हाल में पहुंचा दे उसको। फिर गाड़ी अंदर जबरदस्ती डाला, फिर वो ले गया खोखसर, जब तक खोखसर जाए तब उसने बात एक आध दो का बात किया, तब तक बात नहीं किया। चाचा जी, आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप इतने सालों से इतनी ऊंचाई पर रह रहे हैं और लगभग आपने यहाँ के जितनी भी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं वो सारी आपने ट्रैक की हैं। हाँ, तो पहले जाते थे ना ग्रुप के साथ, जाते थे हम लोग ना, पहले सब जाते तो चोटी तक तो हम नहीं चढ़ते ना, हम लोग नीचे नीचे सप्लाई देते थे इस ग्रुप को, फिर हम लोग आ जाते वापस। उस टाइम तो ऐसे जवान था उस टाइम, तो आप तो आजकल तो कहाँ जा सकते, इतना जा सकता ऑक्सीजन नहीं है। कुदरत के कहर के अलावा इस ऊंचाई पर आपको लाल भालू जैसे जंगली जानवरों के खतरे से भी दो दो हाथ करने पड़ सकते हैं।